नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच शुरू हुई 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच के दौरान हरलीन दियोल ने बाउंड्री लाइन पर इंग्लैंड की एमी जोन्स का एक कैच उड़कर पकड़ा, जिसके बाद से ये कैच दुनिया भर में काफी वायरल हो रहा है। इस पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इसे कैच ऑफ द ईयर भी कहा है। दरअसल 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रनों से हरा दिया है। वह इंग्लैंड की पारी के दौरान भारतीय महिला फील्डर हरलीन दियोल ने बाउंड्री लाइन पर एमी जोन्स का शानदार कैच पकड़कर सबका दिल जीत दिया। इंग्लैंड की पारी की 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर एमी जोन्स ने शिखा पांडे की गेंद पर शॉट लगाया और बाउंड्री पर फील्डिंग कर रही हरली ने इस कैच को पकड़ने के लिए डाइव लगाई, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वे बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। इस दौरान उन्होंने गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंक कर फिर से इसे डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जिसके बाद कोई उनकी तुलना रविंद्र जडेजा के साथ कर रहा है तो कोई उन्हें सुपर वुमन बता रहा है। वहीं भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इसे कैच ऑफ द ईयर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन कैच मैंने नहीं देखा। वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डेरेन सैमी ने भी हरलीन के कैच की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लीजा स्थलकर ने भी इसे सीरीज का सबसे बेहतरीन कैच बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज पर अब कोरोना का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब यह सीरीज 13 जुलाई की जगह 18 जुलाई से शुरू हो गई। श्रीलंका के बैटिंग कोच और डेटा एनालिस्ट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस सीरीज में भारत की ओर से 4 बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं। भारतीय कप्तान शिखर धवन पहले वनडे में उतरते ही भारत के सबसे उम्रदराज कप्तान बन जाएंगे। वहीं दो भाइयों की जोड़ी एक ही मैच में उतर सकती है, इसमें कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और राहुल चहर और दीपक चहर शामिल है। ऐसा हुआ तो 87 साल पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। धवन के पास अनोखा बेहद मजबूत बल्लेबाजी तकनीक के कारण लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय ओपनर और कप्तान सुनील गावस्कर आज 72 साल के हो गए हैं। 34 साल पहले 1987 में क्रिकेट को अलविदा कह चुके गावस्कर ने कई ऐसे अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जो आज तक नहीं टूटे हैं। महान गायिका लता मंगेशकर ने भी ट्वीट करके सुनील गावस्कर को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहती थी कि सुनील गावस्कर कभी रिटायरमेंट ना लें, वे हमेशा खेलते रहें, जैसे कि वे सचिन तेंदुलकर के लिए भी कहती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा है कि अगर एमएस धोनी अगला आईपीएल सीजन नहीं खेलेंगे तो वे भी संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर अभी तक 4-5 साल का क्रिकेट और बचा हुआ है। अगर हम इस साल आईपीएल जीत गए तो मैं धोनी को अगले सीजन के लिए भी मना लूंगा, अगर वे नहीं माने तो मैं भी नहीं खेलूंगा। दिल्ली सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स में शहर के पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ पदक विजेता एथलीट के कोच को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसी ही घोषणाएं हरियाणा, झारखंड और ओडिशा की सरकारें भी कर चुकी हैं। खेलों से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खेलों से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें।